तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो गाइस अभी आप जो प्रीव्यू में वीडियो देखें, ये वीडियो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको भी बनाना है कुछ इसी तरह अपना फोटो का वीडियोस, तो आप वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह आप ऐसा वीडियो बना सकते हैं जो आप ऑलरेडी प्रीव्यू में देख चुके हैं। हाँ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह वीडियो एडिटिंग वीडियोस देखने को मिलते ही रहता है। और अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज कर लें। और गाइस आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जरूर, क्योंकि 4K करना है आपके भाई को, मतलब 4K के लिए और 200 फॉलोअर बाकी है। तो आप प्लीज़ 200 फॉलोअर कर दो और जल्दी से 4K भाई का कर दो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स। तो चलो गाइस आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर मेरा मतलब तबीयत ख़राब है, दैट्स व्हाई आपको मतलब स्लो स्लो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्ट का भी लिंक मिलेगा, एक पर इफेक्ट रहेगा और एक पर सेक इफेक्ट मतलब रहेगा, और एक पर बिट मार्क रहेगा, मतलब जो आपका ऑडियो है ऑडियो के अकॉर्डिंग जो मार्क सब है वो मार्क सब रहेगा। तो प्लीज़ गाइज आप चैनल को सपोर्ट करें, बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल बहुत डाउन गया है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं क्या इम्प्रूव करना है। हाँ, बट आप चैनल को सपोर्ट करें, एकदम सपोर्ट नहीं है, मुझे पता है एकदम सपोर्ट नहीं हो रहा है, करते हैं मतलब सपोर्ट करते तो दिखने मिलता है बट एकदम सपोर्ट नहीं है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करें चैनल को। अभी आप यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर चले आ जाना है, आना नहीं है। जब भी आप बिटमार्क प्रोजेक्ट या सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक एलाइट मोशन ओपन हो जाएगा, देन आप इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो जब भी आप इंपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिस पर ऑडियो रहेगा और आपको बिट के अकॉर्डिंग मार्क सब रहता है। तो आपको इस बिट के अकॉर्डिंग फोटो सबको इंपोर्ट करना है। तो पहला बिट जहां पर आ रहा है तो उस बिट तक पहुंचने के लिए आपको राइट एरो पर क्लिक करके चले आ जाना है। 0.05 सेकंड से आपको प्लस पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियोज वी ऑल, और आपको अपना जो इमेजेस है उस इमेजेस सबको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। हाँ, तो इस तरह मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके फोटो को थोड़ा सा जूम करना है, राइट एरो पे क्लिक करके यहाँ पर कट कर देना है फोटो को। अब इस आइकन से इस टाइम से आपको नया फोटो को क्लिक करना है, तो सेम प्लस पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियोज वी ऑल, और आपको अपना नया फोटो को ये चूज करना है। तो मैं इस फोटो को इंपोर्ट करता हूँ। अब इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इस तरह जूम करना है, हाँ राइट एरो पे क्लिक करके कट कर देना है। अब इस जगह से आपको नया फोटो को इंपोर्ट करना है। हाँ, इसी तरह गाइज आपको फोटो सबको इंपोर्ट करना है। हाँ, तो यहाँ पर मैं ये वाला फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जूम करना है, राइट एरो पे क्लिक करके कट। आप देख पा रहे हो एक मार्क से एक मार्क तक और इस मार्क से इस मार्क तक, इस मार्क से इस मार्क तक फोटो सब इंपोर्ट किया हूँ। तो आपको अब मैं सही से समझा देता हूँ। जब भी आप मार्क तक चले आ जाओगे उस पर आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियोज़ पे जाना है, व्यू ऑल पर जाना है। आप जिस इमेज पे वीडियोज़ बना रहे हो उस फोटो को यहाँ पर जिस वीडियो पे नहीं जिस फोटोज़ पे आप वीडियो बना रहे हो उस फोटोज़ को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देन इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कर लें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इस तरह जूम करें, बैक करें, राइट एरो पे क्लिक करके इधर ट्रिम टू जो राइट है ये वाला आइकन पर टैप कर दें। तो इस तरह फोटो सब आपको इंपोर्ट करते जाना है। हाँ, तो मैं करके आप सभी को दिखाता हूँ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर देख पा रहे हो मैं फोटो सबको इंपोर्ट कर चुका हूँ, आपको भी इसी तरह फोटो सबको इंपोर्ट कर लेना है। हाँ, देख सकते हैं एक मार्क से एक मार्क तक फोटो का ड्यूरेशन सब इस तरह। अब यहाँ पर इस फोटो सबको इंपोर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है आप सभी को, और यहाँ पर जो आपको सेक इफेक्ट दिया गया है उस प्रोजेक्ट के अंदर आना है। यहाँ पर तीन फोटोज़ देखने को मिलेगा, तो पहला फोटोज़ पे टैप करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। हाँ, अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, और यहाँ पर गाइज आपको ये बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है। हाँ, यहाँ पर तो बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर मैं चले आ गया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इफेक्ट सबको पेस्ट करना है। तो पहला जो टाइम है 0.05 सेकंड पर आना है, मतलब ये वाला पहला फोटो पे आना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। हाँ, इफेक्ट्स लग चुका है। ऑल राइट, अब यहाँ पर आपको ये वाला फोटोज़ पे आपको करना है,
हाँ ये वाला 1.29 सेकंड पर, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाकर पेस्ट करना है। अब गाइज आपको 3.24 सेकंड पर आना है, हाँ कुछ ये टाइम पर, इस पर भी आपको पेस्ट करना है। अब गाइज आपको 5.25 मतलब 23 ये वाला सेकंड पर, इस पर भी इफेक्ट्स को पेस्ट करना है। ओके अब 7 मतलब ये वाला टाइम पर भी आपको कर देना है पेस्ट। अब गाइज 9.04 मतलब उसके बाद वाला भी फोटोज़ पर भी आपको पेस्ट करना है। हाँ उसके बाद गाइज आपको 11 सेकंड पे 11.24 इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाके इस 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। ऑलराइट अभी आप देख पा रहे हो इतना करने के बाद आपको प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है। उसके बाद सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है, सेकेंड वाला जो फोटोज़ है उस पर टैप करने इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, प्रोजेक्ट्स निकल आ जाना है फिर से, और यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर फिर से चले आ जाना है। और यहाँ पर उसके बाद गाइज आपको ये वाला जो फोटोज़ है इस फोटोज़ पर टैप करना, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर गाइज आपका टाइम 3.04 सेकंड पर आना है, कुछ ये वाला 3.0 सेकंड पर ये वाला जो इमेज है, ये वाला नहीं ये वाला, इस पर भी आपको पेस्ट कर देना है। इस पर पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 4.9 ये वाला टाइम पर जो फोटोज़ है इस पर पेस्ट करना है। इस पर पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला टाइम पर आना है 7.08 सेकंड पर, इस पर आपको पेस्ट कर देना है। अब गाइज आपको 10 सेकंड पर आना है मतलब ये वाला टाइम पर 10.13 इस पर आपको पेस्ट कर देना है। अब गाइज आपको 13.03 सेकंड पर आना है, कुछ ये वाला फोटोज अब इस पर आपको पेस्ट करना है। अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, फिर से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको ये लास्ट वाला फोटोज़ पे टैप करना, इफेक्ट्स को ऑप्शन पे जाना है, कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। ज़्यादा फोटोज़ नहीं है। अब आपको 5 सेकंड पर जो फोटोज़ आता है 5.03 हाँ ये वाला, इस टाइम पर जो फोटोज़ है वो फोटोज़ पे पेस्ट करना है। उसके बाद 11 सेकंड पर जो फोटोज़ आता है उस पर आपको पेस्ट करना है, हाँ कुछ ये वाला 11.02 हाँ। अब गाइस आपको 13.26 सेकंड पर जो फोटोज़ आता है हाँ इस पर, और लास्ट वाला पर भी 14.13 पर। तो यहाँ पर गाइस आपका जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इस शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करके आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वरना अगर आप कुछ पार्टिकल लगाना चाहते हैं तो आप पार्टिकल वीडियोस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियोस वी ऑल, और एक पार्टिकल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा हाँ। तो उस पार्टिकल वीडियो को आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें, तो यहाँ पर मैं उस पार्टिकल वीडियो को पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब इस 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कर लेना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है, इस लाइटन पर जाना है और स्क्रीन कर लेना है। अभी आप देख पा रहे हो हाँ, अब यहाँ पर एंड जहाँ हो रहा है आपका वीडियो उस टाइम पर आना है, वीडियो पर टैप करके ये वाला आइकन पर टैप कर दें। अब इसका ओपेसिटी अगर कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं, वरना आपको ऊपर डिपेंड करता है, यूज़ कर सकते हैं वरना नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ।